तो गाइज आज मैं ओला में काम करने के लिए जा रहा हूँ और इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा डिमांड था। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि भाई ओला पार्टनर के बारे में जानकारी दो, कैसे उसमें राइड एक्सेप्ट करते हैं और राइड को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको ओला पार्टनर ऐप की सभी जानकारी दूंगा, कैसे राइड उसमें एक्सेप्ट करते हैं और राइड को कैसे कंप्लीट करते हैं, कस्टमर से कैसे कैश कलेक्ट करते हैं और कस्टमर को कैसे कॉल करते हैं, तो सब कुछ बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो अभी ओला पार्टनर ऐप को मैं ऑन ड्यूटी कर लूँगा और जैसे राइड आएगी तो मैं सब कुछ आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके बताने वाला हूँ। तो मैं ओला पार्टनर ऐप को ओपन कर लेता हूं और ओपन करने के बाद ऑन ड्यूटी करके दिखाऊंगा कि किस तरह से राइड आती है और उसको एक्सेप्ट कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने अभी ओपन ही किया है, ओला ऐप को ऑन ड्यूटी नहीं किया है, तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं वन राइड लिखा हुआ और 50 रुपीज़ लिखा हुआ, इसका मतलब मैंने एक राइड आज कंप्लीट किया है और 50 रुपया अर्निंग हुआ। आप पूरे दिन में जितना भी काम करेंगे तो इसी तरह से काउंट होगा। अभी मैंने एक राइड कम्प्लीट किया तो एक राइड काउंट हुआ है और 50 रुपया अर्निंग हुआ है तो 50 रुपया काउंट हुआ। इसी तरह आप पूरे दिन में जितना भी काम करेंगे, जितना राइड कम्प्लीट होगा और जितना आप अर्निंग करेंगे तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। और ऊपर देख रहे हैं आप, सबसे ऊपर ऑफ ड्यूटी लिखा हुआ है और उसके बगल में ऑन ड्यूटी लिखा हुआ है और उसके राइट साइड में लास्ट में गो टू लिखा हुआ है। तो अभी ऑफ ड्यूटी है तो इसीलिए ऑफ ड्यूटी पर है, और जब मैं बीच में क्लिक करता हूँ ऑन ड्यूटी पर तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और मैं ऑन ड्यूटी हो गया। अब मुझे कभी भी किसी भी टाइम बुकिंग मिल सकता है, ठीक है। और उसके राइट साइड में जो गो टू लिखा हुआ है उसका मतलब पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ और मैं काफ़ी देर से मोहाली की राइड मुझे मिली है और मैं मोहाली में ही घूम रहा हूँ और मुझे वापस चंडीगढ़ आना है, तो अपने मर्ज़ी से आऊँगा तो मेरा पेट्रोल खर्चा होगा, इसीलिए ये गो टू ऑप्शन पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे एड्रेस डालने के लिए ऑप्शन मांगेगा, तो मैं चंडीगढ़ का एड्रेस डाल दूँगा और जब मैं मोहाली में रहूँगा और चंडीगढ़ की जो भी कोई राइड आने वाला रहेगा तो मेरे पास आएगा, तो इसलिए गो टू होता है। जैसे हम रैपिडो में माई रूट बुकिंग बोलते हैं तो इसी तरह ओला में गो टू बोलते हैं। उसके बाद आप सबसे नीचे आ जाओ तो अभी होम पेज इस तरह का है और सेकेंड नंबर में जो रॉ लिखा हुआ है रुपया का निशाना, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से मतलब देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं एक राइड कंप्लीट है और 49.81 रुपीज़ मुझे मिला है, और उसके नीचे जो पे 8.19 रुपया जो है ना, इसका मतलब मेरा वॉलेट 8.19 रुपया माइनस में है, ये पैसा 8 रुपया मुझे ओला कंपनी को पे करना होगा, तो वो दिखा रहा है। और उसके नीचे आप देख सकते हैं बैलेंस है, अर्निंग हिस्ट्री है, इंसेंटिव है, तो अगर आप इंसेंटिव पे क्लिक करेंगे तो अभी के टाइम में आज का जो भी इंसेंटिव ओला दे रहा है तो वो सब आपको दिखाएगा। तो आज का इंसेंटिव है 5 बुकिंग पर 30 रुपया मिलेगा और 8 बुकिंग पर 60 रुपया मिलेगा, तो यही है ओला का आज का इंसेंटिव। और उसके नीचे आप तीसरे नंबर पे जो कप का निशान बना हुआ, अगर आप कप पर क्लिक करेंगे तो इसमें सिर्फ आपको इंसेंटिव के बारे में ही बताएगा। तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया था 5 बुकिंग पे 30 रुपया है, 8 बुकिंग पे 60 रुपया है, ठीक है। तो आपको मैं बैक ले चलता हूँ और फिर चौथे नंबर पे जो मैसेज का आइकन बना हुआ, तो ये नोटिफिकेशन का आइकन है। जो भी नोटिफिकेशन आपको आएगा वो आपको 4 नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो सभी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा जो कंपनी नोटिफिकेशन भेजती है किसी भी तरह का। और लास्ट में जो 5वां नंबर अकाउंट का लोगो बना हुआ, तो उसमें आपका सारा डिटेल अकाउंट का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर प्रोफाइल का लोगो, मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, मेरा पूरा नाम है और सारा डिटेल आपको मतलब मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो अभी मैं होम पेज पे फिर से आ जाता हूँ, अब मुझे वेट करना पड़ेगा पहला राइड का, तो देखते हैं अब ओला में पहला बुकिंग मुझे कब मिलती है। तो गाइज अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और मुझे बुकिंग मिल गया, या राइट साइड में ओके लिखा हुआ और लेफ्ट साइड में पास लिखा हुआ। अगर मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो राइड एक्सेप्ट हो गई, और वही लेफ्ट साइड में जो पास लिखा हुआ था, अगर मैं पास पे क्लिक करता तो राइड एस्किप हो जाती, ठीक है। तो जैसे राइड एस्किप करके आप कुछ सेकेंड इसी वेट करेंगे तो ऑटोमेटिक कस्टमर का पिकअप लोकेशन उठा लेगा, जैसे कि मेरा अभी ऑटोमेटिक उठा लिया है। राइड एक्सेप्ट करने के कुछ सेकेंड आपको वेट करना होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ का लोकेशन उठा लेगा। तो अभी मैं बैक आ गया हूँ और आपको मैं कुछ डिटेल बताता हूँ।
तो जैसे आप राइड एक्सेप्ट करेंगे तो कहाँ से राइड है आपको वहाँ का लोकेशन देखने को मिल जाएगा, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ। ट्रिविंग चौक से ये राइड है 31 सेक्टर, और राइट साइड में यहाँ पे नेविगेशन लिखा हुआ, नेविगेट लिखा हुआ। अगर आप नेविगेट पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट कस्टमर का पिकअप लोकेशन उठा लेगा मैप से और आप वहाँ पर जा सकते हैं। और सबसे ऊपर लिखा हुआ है कस्टमर का नाम है प्रतिभा वर्मा लिखा हुआ है। अगर आप प्रतिभा वर्मा नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे नीचे कैंसिल बुकिंग लिखा हुआ राइट साइड में रेड कलर से, और उसके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ मोबाइल नंबर लिखा हुआ। तो अगर आप कैंसिल बुकिंग पर क्लिक करेंगे तो बुकिंग कैंसिल हो जाएगा। अगर कस्टमर को आपको कॉल करना है तो सीधा नंबर पर क्लिक करके, और उसके बाद मेरे से पूछा जा रहा है कि आप किस नंबर से करना चाहते हैं कॉल, तो जो नंबर आपका ओला पार्टनर ऐप में रजिस्टर होगा आप उसी नंबर से कॉल कर सकते हैं। तो मैंने अभी कस्टमर को कॉल लगा दिया हूँ। हेलो मैडम, आपकी बुकिंग आई थी ओला से? हाँ जी जी, आ रहा हूँ आपकी लोकेशन पे। कहाँ जाना है आपको? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो गाइज, मैंने अभी कस्टमर से बात कर लिया है, और आप कस्टमर के पास पहुंचेंगे कैसे मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि सबसे नीचे एड्रेस लिखा हुआ है, उसके राइट साइड में नेविगेट लिखा हुआ, तो जैसे नेविगेट पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक मैप के सहारे वहां का लोकेशन उठा लेगा जहां पर कस्टमर है। तो वहां का लोकेशन उठा लिया, 1 किलोमीटर है और मुझे 4 मिनट लगेगा पहुँचने के लिए। तो मैं अभी कस्टमर को पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ, और कस्टमर के पास पहुँचने के बाद आगे का क्या प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ पहुँचने के बाद। प्रतिभा, आपका ही बुकिंग है ना ओला से? बाइक पे बैठ जाओ, वहाँ पे जाके OTP डालता हूँ, यहाँ पे अलाउ नहीं है ना खड़े होना। तो गाइज, कस्टमर के पास पहुँचने के बाद मैं बैक आ जाता हूँ, और फिर से मैं ओला पार्टनर ऐप में आ गया। तो कस्टमर का यहाँ पे आपको OTP डालने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे क्लाइंट लोकेशन लिखा हुआ, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ येस नो पूछ रहा है। इसका मतलब जो कस्टमर का एग्जैक्ट पिकअप लोकेशन था वहाँ पर मैं अभी नहीं हूँ, तो मैं येस कर दिया। और यहाँ पे आप स्टार्ट ट्रिप लिखा हुआ है तो उसको आपको स्वाइप कर देना है राइट साइड को, और उसके बाद OTP डालने का ऑप्शन आएगा। कितना बताया OTP? 2484। तो इस तरह से OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई एंड स्टार्ट ट्रिप पर आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद डायरेक्ट जो कस्टमर का ड्रॉप लोकेशन होगा ऑटोमेटिक उठा लेगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटी राइड है। तो राइड मैंने पिकअप कर लिया है और मैं इसको ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ। ड्रॉप करने के बाद आगे का क्या प्रोसेस होता है मैं आपको बताता हूँ। यहीं पर रोक दूँ आगे या यहीं पर? मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर रोक दूँ या दूसरा गेट पर? हाँ देता हूँ आपको बारकोड। डायरेक्ट नहीं होगी मतलब वैसे करते हैं। 22 है ना? पता नहीं, मैंने देखा नहीं, आप में जितना दिख रहा है ना उतना आप कर दीजिए। 22 था। हाँ इतना ही कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज, मैंने अभी कस्टमर को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, तो मैंने उसे पेमेंट पहले ले लिया और मैंने उसको छोड़ दिया ताकि मैं आपको सारा डिटेल बता सकूं। तो फिर से मैं ओला ऐप में चले जाता हूं, और जैसे मैं अभी कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पर पहुंचा हूं, तो आपको भी इसी तरह पहुंचने के बाद सबसे नीचे रेड कलर का आप देख रहे हैं एंड राइट लिखा हुआ है, तो आपको राइट साइड में स्वाइप कर देना इस तरह से। तो उसके बाद कस्टमर का बिल ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उसने बोला था कि 22 रुपीज़ आ रहा था पेमेंट, तो उसने मुझे पहले ही कर दिया, मैंने खुद करवाया पहले। और तो इस तरह से आपको कस्टमर से ले लेना है। इस तरह से अगर आएगा तो समझ लेना कि कस्टमर से आपको कैश पेमेंट लेना है। अगर कस्टमर ऑटोमेटिक ऑनलाइन पैड किया होगा तो जैसे आप इंड राइड को स्वैप करेंगे राइट साइड को, तो ऑटोमेटिक यहां पे लिखा जाएगा ऑनलाइन पेमेंट, आपको कुछ नहीं करना होगा, डायरेक्ट रेटिंग देने का ऑप्शन आएगा। तो लेकिन अभी मुझे पैसे कैश मांगने का, क्योंकि नीचे भी लिखा प्रतिभा वर्मा टू पे इन कैश, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे कस्टमर से कैश लेना है और नीचे कैश पर कलेक्ट कर देना है और कस्टमर से हमें कैश ले लेना। उसके बाद प्रतिभा वर्मा को रेटिंग देने के लिए बोल रहा, तो आपको 5 स्टार आप अपने हिसाब से रेटिंग दे सकते हैं। उसके बाद नीचे 2 ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा कि कस्टमर का व्यवहार कैसे था आपके साथ और क्या कस्टमर ने मास्क लगाया था या नहीं। तो आपको दोनों या आप अपने मर्जी के हिसाब से सेलेक्ट करके आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद आपका राइड कम्प्लीट हो गया। अब आपको नेक्स्ट राइड कभी भी आ सकती है, तो मैं अभी ऑफ ड्यूटी कर देता हूँ ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पर ऑन ड्यूटी किया था। तो आपको फिर से इधर लेफ्ट साइड में ऑफ ड्यूटी पर क्लिक कर देना है। अब मैं
मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो नीचे देख लो, उस टाइम मैंने आपको दिखाया था कि एक राइड और 50 रुपये था, तो उसके बाद दो राइड और 70 रुपये दिखा रहा है, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ जहाँ पर 70 रुपया लिखा हुआ था, और उसके नीचे आप देख सकते हैं 69.96 रुपीज़ टू राइड कम्प्लीटेड। इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि दो राइड मैंने कम्प्लीट किया, वही लिखा हुआ है। और नीचे जो 10 रुपया 4 पैसा लिखा हुआ, तो उसका मतलब ये है कि मैं ओला कंपनी को पे करूँगा 10 रुपया, मेरा वॉलेट 10 रुपया माइनस में चल रहा है, तो लेकिन मैं पे नहीं करूँगा। कोई कस्टमर जैसे बुकिंग करता है तो उसी राइड में कुछ राइड ऐसे होता जो मेरे वॉलेट में आता है पैसा, तो उसी वॉलेट से ओला कंपनी काट लेती है, ठीक है। तो अभी मैं उसी पर क्लिक करता हूँ, 69.96 रुपीज़ लिखा हुआ, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सारा अर्निंग का डिटेल दिख जाएगा, जैसे कि मैंने पहला राइड कंप्लीट किया था सबसे ऊपर, तो उसमें उस राइड पर मुझे 71 रुपीज़ अर्निंग हुआ है, ठीक है, और 1.59 रुपीज़ टैक्स कटा है मेरे से, तो उस राइड का टोटल अर्निंग मुझे 69.96 रुपीज़ अर्निंग हुई है, और कस्टमर ने मुझे 68 रुपया मेरे को दिया था, तो यहाँ पे कैश कलेक्ट लिखा हुआ 68। और उसके बाद जो मैंने अभी अभी राइड कंप्लीट किया, तो उसका डिटेल अगर आपको मैं दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं ऊपर 20 रुपया 61 पैसा लिखा है, और उसी के नीचे 2.1 किलोमीटर और 8 मिनट और लास्ट में कैश लिखा है। इसका मतलब यह है कि 2.1 किलोमीटर का राइड था और 8 मिनट लगा मुझे इसको कंप्लीट करने में, और लास्ट में जो कैश लिखा, तो मतलब ये पेमेंट कैश था, ठीक है। इस राइड पर मुझे टोटल फेयर 22 रुपीज़ मिला है, और इसमें योर अर्निंग यानी कि मेरा अर्निंग हुआ है 20 रुपीज़ 61 पैसा, और उसके बाद नीचे GST पेड टू गवर्नमेंट लिखा हुआ, तो 1.37 रुपीज़ मेरा टैक्स कट गया है, ठीक है। तो यही सब राइड का डिटेल है, तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ओला पार्टनर ऐप कैसे यूज करते हैं, उसमें राइड कैसे एक्सेप्ट करते हैं, और राइड को कंप्लीट कैसे करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया होगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूँगा आपको फिर किसी न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।